उत्तर प्रदेश की सियासत उस समय गर्मा गई और हंगामा मच गया जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी चिंतक एवं विचारक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजधानी लखनऊ स्थित JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। लेकिन यहां लखनऊ प्राधिकरण ने JPNIC के गेट पर पहले से ही ताला लगा दिया था ताकि सपा प्रमुख अंदर ना जा सके और माल्यार्पण ना कर सके। लेकिन अखिलेश यादव बंद गेट को फांद कर JPNIC के अंदर गए और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। अब अखिलेश के इस तरह से अंदर जाने और प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है क्योंकि सत्ता पक्ष इसे लेकर हमलावर है। तो वहीं सपा का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि हम समाजवादी विचारक व चिंतक जयप्रकाश नारायण को सम्मान दें। सरकार खुद ना तो सम्मान करती है और ना ही हमें करने दे रही है। इसी को लेकर अब मैनपुरी से सपा सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिंपल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे करती आई है। प्राधिकरण वाले नहीं चाहते कि JP नारायण जी को सम्मान मिले। ये पूरी प्रक्रिया इसी मंशा से की गई है। डिंपल ने इसके अलावा प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जान मुझ के जो प्रतिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि JP जो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को JP नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है। और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जा के करना चाहती थी, अपने समाजवादी पार्टी के समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है ये तो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं अखिलेश जी। जबकि मैं समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछला दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और इसी के चलते आदरणीय मौर्य जी ने ये बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है, क्या वो अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक सम्मान और उनका आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे मौजूदा सरकार से। एक आखिरी सवाल मैडम कि ये डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश जी तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, जनता ने पहले ही कांग्रेस को। मैंने इस बात का जवाब दिया है कि जो अखिलेश जी ने जो बात करी है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस की, इस वजह से भाजपा वालों में कमजोरी महसूस हो रही है क्योंकि जनता त्रस्त है, उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं परेशानियां हैं उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है मौजूदा सरकार में। ये मौजूदा सरकार है वो गलत धारणा से काम कर रही है और लोगों के विषय और लोगों के हृदय में और मन में एक भय का वातावरण जो काल्पनिक है, इस तरह का वातावरण वो पैदा करना चाहती है। लेकिन यूपी की जनता और पूरे देश की जनता तैयार है इस बार भाजपा को हटाने के लिए प्रदेश से और देश से, क्योंकि हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं। इसी के साथ हमारा किसान जिसकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था आज वो त्रस्त है, आज वो बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब चुनाव हुआ था यूपी का तो प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि आवारा पशुओं का वो जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसान हमारा परेशान है, उसका वो निवारण करेंगे, तो क्या वो अपनी बात में कायम रहे? और आदरणीय मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को बतानी चाहिए अपनी राय कि कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। Thank you.